दोस्त, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ और ये टिप्स आपको हर हालात में फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये टिप्स हर उस बंदे को फॉलो करना चाहिए जो 20 के आसपास है, क्योंकि उम्र निकलने से पहले ये चार बातें 3 मिनट का टाइम निकालकर जानना जरूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नंबर फर्स्ट, बिल्ड योर एटीट्यूड। दोस्त, हर बंदे को सबसे पहले अपना एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए। इस सदी का सबसे क्रांतिकारी बंदा एलन मस्क को एक बार ऑस्ट्रेलिया से काम मिला था, जहां उस बंदे को 100 किलो वाट की पावर ग्रिड लगानी थी। तब एलन ने कहा कि मैं इस काम को 100 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं ये सब काम फ्री में करूंगा। और इस बंदे ने उस काम को 100 डेज की बजाय 60 डेज में कंप्लीट कर दिया। जो काम दुनिया की और बड़ी कंपनीज को नामुमकिन लग रहा था, उस वर्क को एलन ने 60 डेज में करके सबको चौंका दिया। इसे कहते हैं एटीट्यूड। जब आर्मी वाला बंदा सुबह रनिंग करने जाता है तो उसका एटीट्यूड होना चाहिए कि कल से खुद को आज बेहतर बनाना है। कल से आज 2 सेकंड ही सही, मगर फास्ट रहना है, क्योंकि एक दिन आप सबसे फास्ट हो जाओगे। नंबर सेकंड, थिंक बिग। दोस्त, एलन मस्क का मानना था कि जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने में कौन सा टैक्स लगने वाला है। 100 किलोवाट का पावर बैंक और 100 डेज में कम्प्लीट करने का वादा जितना आसानी से मैंने आपको बता दिया, उतना आसान नहीं था, लेकिन एलन ने उसी वर्क को 60 डेज में कंप्लीट कर दिया। ये बड़ी सोच का ही नतीजा है, क्योंकि ये बंदा चाहता था कि दुनिया का फोकस इस बंदे पर हो। नंबर थर्ड, वर्क ऑन स्किल्स। जब कोई भी बंदा 20 में हो तो उस बंदे को अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इस एज में आपके पास खोने के लिए सिर्फ टाइम होता है, और वो टाइम आप वैसे भी खो रहे हो पबजी, टिकटॉक एंड अनदर सोशल प्लेटफॉर्म में। इस टाइम में आपको ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए जो आपके स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में फोकस करना चाहिए एंड अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। किसी भी वर्क को हार्ड वर्क करने के साथ साथ उसको कंप्लीट करने के लिए स्मार्ट स्किल खोजना चाहिए, क्योंकि आपको हार्ड वर्क तब तक सक्सेस नहीं दिला सकता जब तक उसे कंप्लीट करने के लिए आप स्मार्ट तरीके नहीं खोजोगे। नंबर फोर्थ, वर्क एथिक्स। आई थिंक हर बंदे के पास खुद की वर्क एथिक होना चाहिए, बिकॉज वर्क एथिक आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होने देगी एंड आप ऑलवेज एक्टिव रहोगे। जैसे कोई बंदा स्टूडेंट है, उस बंदे की अलग वर्क एथिक होगी, आर्मी वाले बंदे की अलग वर्क एथिक होगी, एंटरप्रेन्योर की अलग वर्क एथिक होगी, यानी हर बंदे की अपनी स्पेशल वर्क एथिक होना चाहिए। इससे आपके एक एक मिनट टाइम का मैनेजमेंट होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिए एंड हर उस बंदे को ये वीडियो शेयर करिए जो आगे बढ़ना चाहता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।